जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है कि अब प्रत्येक विषय में अर्थात ग्रह विज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी विषय हो या सामाजिक विषय हो, अब सभी में 20 प्रश्न, कितने 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसमें आपको फिल करना है। और इसलिए मैं आपको अब नए पैटर्न पर आधारित जो मॉडल पेपर प्रकाशित किए गए हैं क्वेश्चन पेपर्स में, उन्हीं को बता रहा हूं। और यहां पर आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं जो छात्राएं क्लास 10th में हैं और 2023 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ मैं। अक्टूबर माह में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है और इसलिए अक्टूबर माह की इस अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु ग्रह विज्ञान का मॉडल पेपर। अब ग्रह विज्ञान में पहले जैसे प्रश्न नहीं आएंगे, प्रश्न पूछने का तरीका बदल चुका है, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है आज के इस वीडियो में आप सब जान पाएंगे, और साथ ही यह भी जानेंगे कि किस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि OMR शीट में किन प्रश्नों का आंसर फिल करना है और किन प्रश्नों का हमें अपनी कॉपी पर आंसर लिखना है। तो आज का यह मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि अक्टूबर माह में सुनिश्चित की गई है यूपी बोर्ड के द्वारा, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। और साथ ही आपको करना क्या है, इस मॉडल पेपर को तैयार करने के साथ साथ 2023 की भी तैयारी करते रहना है, क्योंकि अब आपकी जो बोर्ड परीक्षा 2023 में होगी उसके लिए जो मॉडल पेपर है यहाँ पर जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इसी आधार पर होगी, यानी इसी पैटर्न पर प्रश्न आएंगे। सेम ऐसे ही प्रश्न आएंगे ये तो नहीं है, लेकिन ही इस मॉडल पेपर से जरूर आएंगे। तो आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और पेपर का पूर्णांक कितना है, जैसा कि सभी विषयों का है 70 अंकों का। यहाँ पर कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं। पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं तथा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। यह जो खंड आ है इसमें अब 20 अंक के यानी 20 प्रश्न, कितने 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, यानी कुल आपको 20 नंबर यहां से मिलेंगे। तो यह बदलाव हुआ है, अब बहुविकल्पी प्रश्न कितने आएंगे, 20 आएंगे। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के पेपर में यानी बोर्ड एग्जाम में ग्रह विज्ञान के पेपर में 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। यदि आप इन सभी 20 प्रश्न का आंसर OMR शीट में सही तरीके से भरते हैं और सही भरते हैं, तो यहां पर आप देख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर नेत्रों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। यहाँ पर पहला विकल्प है विटामिन के, दूसरा विकल्प है विटामिन डी, तीसरा विकल्प है विटामिन सी और चौथा विकल्प है विटामिन बी। तो मैं आपको ये जो 20 प्रश्न आज के इस मॉडल पेपर में बताऊंगा इनका आंसर भी बताता चलूंगा। तो यहाँ पर नेत्रों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन यहाँ पर ए होना चाहिए, विटामिन ए यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर ए होना चाहिए था। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर मासिक बजट बनाना आवश्यक है, क्यों बनाना आवश्यक है मासिक बजट। पहला विकल्प है आय व्यय में संतुलन रखने के लिए, दूसरा है व्यय पर नियंत्रण के लिए, तीसरा विकल्प है आकस्मिक व्यय के लिए और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो मासिक बजट बनाना आवश्यक होता है, किस लिए आवश्यक होता है, आय व्यय में संतुलन रखने के लिए, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न आएंगे, ज्यादा गंभीर प्रश्न नहीं होंगे, आप यहां पर देख ही पा रहे हैं।
बिल्कुल आसानी से आप 70 में से 65 प्लस कर पाओगे यदि आप इस मॉडल पेपर को, और जो मैं आपको मॉडल पेपर बताऊंगा और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा आपकी ग्रह विज्ञान विषय के, यदि आप तैयार कर लेते हो तो आप 70 में 70 भी ला सकते हो। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आय व्यय में संतुलन रखने के लिए। और इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है जो कि होगा ग्रह गणित का, कि यदि एक दर्जन संतरों का मूल्य 120 रुपया है तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा, और यह प्रश्न होगा ग्रह गणित का, तो इसका भी आपको आंसर करना होगा सॉल्व करके। और इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, डेंगू रोग फैलता है, पहला विकल्प है दूषित जल से, दूसरा विकल्प है दूषित वायु द्वारा, तीसरा विकल्प है मच्छर के काटने से, चौथा है उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो डेंगू रोग किसके द्वारा फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है, यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कपड़ा काटने का उचित स्थान है, दिए गए विकल्पों में से कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है, हाथ में लेकर काटना चाहिए, गोद में रखकर कपड़ा काटना चाहिए, या मेज पर रखकर कपड़ा काटना चाहिए, या कहीं भी काटना चाहिए। तो जब कपड़ों की सिलाई की जाती है तो उन्हें सिलने हेतु काटने का सही और उचित स्थान क्या है, राइट आंसर है मेज पर रखकर काटना चाहिए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, और यह प्रश्न सामाजिक विज्ञान में भी पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पहला विकल्प है 1 जून, दूसरा है 5 जून, तीसरा है 12 जून, चौथा विकल्प है 18 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर, BCG का टीका किस रोग में लगाया जाता है, पहला है विकल्प क्षय रोग, दूसरा है विकल्प हैजा, तीसरा है कुकुर खांसी, और चौथा विकल्प है यहाँ पर टिटनेस। तो BCG का टीका किस रोग में लगाया जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग, जिसे TB भी कहते हैं, BCG का टीका लगाया जाता है। किसका, BCG का टीका क्षय रोग में लगाया जाता है। आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, नाड़ी कहते हैं, किसे कहते हैं, पहला है विकल्प श्वसन की गति दर को, हृदय की धड़कन को, धमनियों की धड़कन को, अथवा शारीरिक तापमान को, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाड़ी कहते हैं, किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धमनियों की धड़कन को, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पर अगला है 9 नंबर का, थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, नाड़ी की गति, श्वसन की दर, रुधिर का दाब और शरीर का तापमान। तो थर्मामीटर के द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं। यहां पर आप सभी देख सकते हो कितने आसान प्रश्न आए हुए हैं, आप इनका एक बार रिवाइज कर लोगे आपको अच्छे से आ जाएगा। यानी ग्रह विज्ञान में 70 में 70 लाना थोड़ा सा मुश्किल नहीं है यदि आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 10, गर्म सेंक किस अवस्था में दी जाती है, यहां पर पहला विकल्प है तीव्र दर्द में, दूसरा है तेज ज्वर में, तीसरा है स्पंज करते समय, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गर्म सेंक किस अवस्था में दी जाती है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीव्र दर्द में। कब, जब शरीर में तीव्र दर्द होता है तो उसमें गर्म सेंक दी जाती है। और अगला है प्रश्न संख्या 11, किस पोषक तत्व से हड्डियां मजबूत होती हैं, पहला है विकल्प प्रोटीन, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है वसा। तो किस पोषक तत्व से हड्डियां मजबूत होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कौन सा पोषक तत्व है जिससे हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, कैल्शियम है। अगला है प्रश्न संख्या 12, गाजर उत्तम स्रोत है किसका, यहां पर पहला विकल्प है कैल्शियम, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा विकल्प है यहां पर विटामिन ए, और चौथा है लौह तत्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गाजर उत्तम स्रोत है किसका, विटामिन ए का, राइट आंसर क्या है, विटामिन ए। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 है, संक्रामक रोग फैलते हैं, किसके द्वारा फैलते हैं, यहाँ पर पहला विकल्प है वायु द्वारा, दूसरा विकल्प है जल द्वारा, तीसरा है संपर्क द्वारा, और चौथा है सभी प्रकार से। तो संक्रामक रोग फैलते हैं किसके द्वारा फैलते हैं, राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार से फैलते हैं।
प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर डेंगू रोग फैलता है किससे फैलता है? दूषित जल से, दूषित वायु से, मच्छर के काटने से या उपर्युक्त सभी के द्वारा? तो डेंगू रोग कैसे फैलता है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मच्छर के काटने से डेंगू रोग फैलता है। प्रश्न संख्या 15 है, मक्खियों द्वारा फैलता है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा रोग है जो मक्खियों के द्वारा फैल जाता है? पहला है विकल्प मलेरिया, दूसरा है डेंगू, तीसरा है हैजा और चौथा विकल्प है तपेदिक। तो मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर हैजा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 है, रुधिर या रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है आहार नाल, दूसरा है हृदय, तीसरा विकल्प है फेफड़े और चौथा विकल्प है यकृत। तो रुधिर या रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़े। प्रश्न संख्या यहाँ पर 17 है, पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विकल्प यहां पर देख लीजिए आप सभी, भोजन, दूसरा विकल्प है दुकान, तीसरा है मनोरंजन, चौथा विकल्प है फर्नीचर। और इसके बाद प्रश्न संख्या 18 वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे संबंधित मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की बेहतर तैयारी हो सके। आप चैनल के साथ बस जुड़े रहिएगा, यहाँ पर आपको हिंदी विषय की वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, सामाजिक विज्ञान विषय की और चित्रकला विषय की तथा गृह विज्ञान विषय की। आप इतनी विषयों की संपूर्ण तैयारी कर सकते हो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और इसके बाद अगला प्रश्न यहां पर क्या है कि विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? यहां पर पहला विकल्प है दाल, दूसरा विकल्प है दूध, तीसरा विकल्प है आंवला और चौथा विकल्प है गाजर। तो विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी खट्टे फलों में ज्यादातर होता है और यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से खट्टा फल कौन सा है? आंवला। तो आंवला में विटामिन सी काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इसके बाद प्रश्न काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण किस कारण से होता है? पहला विकल्प है साइकिल, दूसरा है लाउड स्पीकर, तीसरा है रिक्शा और चौथा है इनमें से सभी। तो साइकिल से क्या ध्वनि प्रदूषण होता है? नहीं होता है। रिक्शा से क्या होता है? नहीं होता है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। प्रश्न संख्या 20 है, यहाँ पर BCG का इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, यानी जो BCG का इंजेक्शन लगाया जाता है, दिए गए विकल्पों में से किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? पहला विकल्प है टिटनेस, दूसरा है डिप्थीरिया, तीसरा विकल्प है हैजा और चौथा है तपेदिक। तो BCG का इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, उत्तर हो जाएगा तपेदिक। तपेदिक रोग से बचाव के लिए BCG का इंजेक्शन या टीका लगाया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, तपेदिक को ही क्षय रोग कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 20 प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पी होंगे और इस मॉडल पेपर के 20 प्रश्नों का मैंने आपको आंसर बता दिया है। अब जो खंड खा है, खंड खा है उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंक के, यानी खंड खा में 50 अंक के प्रश्न होंगे और खंड का में 20 अंक के, और कुल कितने हो गए हैं 70 अंक के, यानी पेपर का पूर्णांक है 70 अंकों का। और आपको इतना प्रयास करना है कि आप 70 में से 70 जरूर लाएं अपनी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में भी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए खंड बा के प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 21 एवं 26 अति लघुत्तरीय हैं, प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में आपको लिखना है। कितने शब्दों में? 25 शब्दों में आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 25 शब्दों में ही आप आंसर देंगे प्रश्न संख्या 21 एवं 26 के जो प्रश्न हैं। तो यहाँ पर 21 प्रश्न है, पारिवारिक बजट की परिभाषा दीजिए, दो नंबर का प्रश्न आया हुआ है, इसका आपको आंसर 25 शब्दों में ही लिखना है।
22 नंबर का प्रश्न है, बचत की परिभाषा लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, आप तैयार जरूर कर लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को। और प्रश्न संख्या 23 है यहाँ पर, 12 कुर्सियों का मूल्य 504 है, एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न आएगा जो ग्रह गणित से, तो यह बदल कर आएगा, इसमें संख्याएं बदल जाएंगी, सेम ऐसा ही प्रश्न नहीं आएगा। और इसके बाद प्रश्न संख्या 24 है, आदर्श कुआं किसे कहते हैं, 2 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 25 है कि हैजा किन क्षेत्रों में अधिक फैलता है, और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और प्रश्न संख्या 26 है, अपशिष्ट कचरा प्रबंधन के बारे में लिखिए। तो प्रश्न संख्या 21 से प्रश्न संख्या 26 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको, यानी सभी प्रश्नों का आपको आंसर देना होगा, और जिसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके बाद निर्देश दिया है, और इसी तरह से आपकी वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा उसमें भी इसी तरह से निर्देश होंगे, और ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। निर्देश क्या है कि प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 से प्रश्न संख्या 31 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, इनके प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 क्या है कि तलने की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए, और इनका आंसर आपको कम से कम 50 शब्दों में देना है, और इसके लिए एक प्रश्न का जब आप उत्तर दोगे तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। कितने? 4 नंबर। और अथवा में भी प्रश्न आया है, 27 का अथवा है कि जल के माध्यम से भोजन पकाने की 2 विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, किसी एक प्रश्न का आंसर देना होगा जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 28 है, 6 रोग से पीड़ित व्यक्ति के भोजन में किन पौष्टिक तत्वों की प्रमुखता होनी चाहिए, और अथवा में है कि रोगी को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। तो यहां पर आपको किसी एक प्रश्न का ही आंसर देना होगा जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 29 क्या है कि बचत करना क्यों आवश्यक है, इसके लाभ लिखिए, और अथवा में है कि आय व्यय में संतुलन बना रहे इसके लिए आप क्या करेंगी, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना होगा, किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना होगा, और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 है कि डाकखाने में बचत खाता खोलने के 2 मुख्य उद्देश्य लिखिए, और अथवा में प्रश्न आया है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय में क्या अंतर है, किसी एक प्रश्न का आंसर देना है आपको, और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर 31 है, एक विद्यालय में 1200 छात्र हैं, 70% साहित्य वर्ग के हैं, दोनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए, और अथवा में प्रश्न है कि मानव स्वास्थ्य के लिए जल का महत्व लिखिए, किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा जिसके लिए 4 नंबर मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पर निर्देश देखने को मिलेगा कि प्रश्न संख्या 32 से 34 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 व 9 में विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही विकल्प का उत्तर लगभग 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 क्या है कि ग्रह व्यय में मित्र व्ययता के लिए किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, और इस प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे, यानी दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न होगा प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे, लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर देने पर प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, और जो अति लघु उत्तरी प्रश्न होगा प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। यानी अति लघु उत्तरी प्रश्न 2 नंबर का होगा, लघु उत्तरी प्रश्न 4 नंबर का होगा, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो पूछा जाएगा प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। इसके बाद यहाँ पर अथवा में भी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 का अथवा क्या है कि दूषित जल से फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं, हैजा रोग के कारण लक्षण तथा बचने के उपाय लिखिए, किसी एक प्रश्न का आंसर आपको देना होगा और आपको नंबर मिलेंगे 6। प्रश्न संख्या 33 यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मृदा प्रदूषण से आप क्या समझती हैं, इसके कारणों का उल्लेख करते हुए मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय बताइए,
और अथवा में प्रश्न है कि पर्यावरण असंतुलन से होने वाली आपदाएं कौन कौन सी हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या उपाय करना चाहिए, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, जिसके लिए आपको मिलेंगे 6 नंबर। और इसके बाद प्रश्न संख्या 34 है, हाथी पाव से आप क्या समझती हैं, इसके लक्षण एवं उपचार लिखिए। और अथवा में प्रश्न है कि टाइफाइड रोगी को रोग की अवधि में और स्वास्थ्य लाभ के समय किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा जिसके लिए आपको कितने नंबर, कुल 6 नंबर मिलेंगे। तो ऐसा आएगा ग्रह विज्ञान का मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में, और अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी अक्टूबर माह में होनी है। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह मॉडल पेपर। और आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय और ग्रह विज्ञान तथा चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो। जय हिंद।